हेलो दोस्तों, द नेक्स्ट मैन लॉजिकल में आपका स्वागत है। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ 25 जनरल अवेयरनेस के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल्स के लास्ट एग्जाम्स में, जो कि मार्च महीना में हुए हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ही और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो एसएससी सीजीएल में पूछे जा चुके हैं, इसी महीने सब सारे एग्जाम्स हुए हैं और पूछे गए हैं। तो यह आपके आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए भी अच्छी है और आपके नेक्स्ट ईयर जो लोग देने वाले हैं उनके एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह है कि निशा काश रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। तो हमारे ऑप्शन है खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड्स, सी है तारामंडल और डी है उल्कापिंड। तो इसमें आपको सही उत्तर अगर आपको पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं पता है तो वीडियो को आप पूरा देखिए तो आपको पता चल जाएगा। और अगर आप इसमें अगर क्वेश्चन आंसर अपने से अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके थोड़ा समय लेकर के आप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अप्रॉक्स 6 सेकेंड से ज़्यादा ना ले, क्योंकि एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको यह लेवल बनाए रखना है कि मुझे किसी भी क्वेश्चन का आंसर 6 सेकेंड या हो सके ज़्यादा तो 7 सेकेंड में दे देना है। तो चलिए, अगर आपको पता है तो बहुत बहुत खुशी की बात है, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए। तो यहाँ पर जो निशाकाश रात्रि में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, खगोलीय पिंड, यह इसका सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुरातत्वविद आर नागास्वामी को किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कला में सम्मानित किया गया था। हमारे ऑप्शंस है ए, भूटान, बी, नेपाल, सी, बांग्लादेश या फिर डी, चाइना। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है सी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश यहाँ पर सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने किस राज्य में पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला है। हमारे सामने जो हमारे ऑप्शंस है वह है ए, महाराष्ट्र, बी, तमिलनाडु, सी, कर्नाटका या फिर डी, गुजरात। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा डी, गुजरात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में गृह मंत्री अमित शाह ने एक पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं, कर्म योद्धा ग्रंथ जारी की। यह किताब किसके जीवन पर आधारित है, यह किताब किसके जीवन पर आधारित है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा बी, नरेंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पाँचवा क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में किस राज्य की विधानसभा ने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह और फॉक्सटेल ऑर्किड, जिसको कि राइनोकोस्टिलिस रेटुआ, से नए एक लोगो को अपनाया है। लोगो यानी कि जो हमारा एक किसी भी कंपनी का लोगो होता है या फिर जिसको हम लोग एक मार्क के रूप में भी जानते हैं, तो लोगो को अपनाया है। कौन सा राज्य है विधानसभा ने जो कि एक लोगो को अपनाया है। तो इसका सही आंसर जो होगा फॉक्सटेल ऑर्किड किसने अपनाया एक लोगों के रूप में। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा डी, अरुणाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माधवपुर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया गया। देखिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन माधवपुर मेला किस निम्नलिखित में किस राज्य में मनाया गया है, यह प्राय मैंने देखा कि जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन थे जनरल अवेयरनेस के तो उसमें ज़्यादातर में पूछे गए थे ये क्वेश्चन। तो ये माधवपुर मेला यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉमन क्वेश्चन भी है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर माधवपुर मेला वह किस स्टेट में मनाया गया है, तो माधवपुर मेला मनाया गया है वह मनाया गया है गुजरात में। निम्नलिखित में से किस त्यौहार का अर्थ है देवताओं की मेरी बैठक। तो यहाँ पर आपके सामने 4 त्यौहार दिए गए हैं, दिवाली, पोंगल, लाई हरोबा और मकर संक्रांति। तो इसमें किसका अर्थ है देवताओं की मेरी बैठक। तो आपको अगर इसका सही आंसर पता है तो बहुत खुशी की बात है, और अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए। अच्छा, इसको देवताओं की मेरी तो हिंदी में हो गया, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे। इसको इंग्लिश में कहेंगे मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स।
और इसका जो सही आंसर है वह है लाई हरोबा। इसको इंग्लिश में कहेंगे, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स। और इसका जो सही आंसर है वह है आंसर सी, लाई हरेपा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु किसके पुत्र थे? डैस के पुत्र थे यानी किसके पुत्र थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, बिंबिसार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच मौजूद है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो कि फेफड़ों के बीच में मौजूद है? थाइमस, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस या पिनियल? क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर पता है तो बहुत खुशी की बात है, आप आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बहुत जल्दी से कमेंट करें। और अगर नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखें। यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच मौजूद है, तो यह है, क्वेश्चन का आंसर है 1, थाइमस ग्रंथि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वर्ग का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक वर्ग यानी कि एक जाति का नहीं है? तो यहाँ पर हमारे सामने आंसर है घोंघा, पक्षी, मछली, स्तनधारी। अब इसकी में से कौन सा है जो एक जाति का नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर से इन सभी क्वेश्चन में आपको मैं यही बताना चाहता हूँ कि घोंघा जो है वह कशेरुकी प्राणी है, तो वह इन सब की जाति में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वह हो जाएगा ऑप्शन ए, घोंघा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच बल अपने पूर्व मान के एक चौथाई को कम कर देता है जब उनके बीच की दूरी दोगुनी हो जाती है? तो हमारे सामने जो हमारे ऑप्शंस है वह है, पहला है कूलम का नियम, दूसरा है स्टेफिन का नियम, और तीसरा है पास्कल का नियम, और चौथा है हुक का नियम। तो यहाँ पर हमारा 11 का जो सही आंसर होगा वह होगा पहला, कूलम का नियम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिष्ठित हैस्टिंग इंटरनेशनल शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर, चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रेलिया, सी इंग्लैंड या फिर डी बेल्जियम। तो आपको अगर इसका सही आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका जो सही आंसर है, चेस नेशनल कांग्रेस यहाँ पर है प्रतिष्ठित, हैस्टिंग इंटरनेशनल शतरंज कांग्रेस इसको है, नॉर्मली चेस नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था सी इंग्लैंड में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगला क्वेश्चन है, जब हम प्याज को काटते हैं तो सिंथेस एंजाइम प्याज के अमोनियो एसिड सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित कर देता है? जी हाँ, मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेस एंजाइम प्याज के अमोनियो एसिड सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित कर देता है? अम्ल यानी कि एसिड। तो यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए सल्फेनिक एसिड, बी साइट्रिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड या फिर डी सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको इसका सही उत्तर बताना है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और नहीं पता है तो वीडियो को पूरा देखें। तो इसका सही आंसर है आंसर ए, सल्फेनिक एसिड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सिरका निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख घटक है? सिरका निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख घटक है? तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड या फिर डी एसिटिक एसिड। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वह है आंसर डी, एसिटिक एसिड। अच्छा, सिरका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिरका को इंग्लिश में कहते हैं विनेगर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे पहले लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता है? आंसर है, इसमें चार ऑप्शंस में आंसर आपको चूज करने हैं। तो पहला है बुद्ध जयंती पार्क, दूसरा है बी मुगल गार्डन, सी हिरन पार्क या फिर डी लोधी गार्डन। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा आंसर डी, लोधी गार्डन। अगला क्वेश्चन है, उद्योग 4.0 एक जटिल साइबर भौतिक प्रणाली जो डिजिटल प्रौद्योगिकों के साथ उत्पादन को समन्वित करती है। रेल मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग
4.0 पर एक अनूठी परियोजना के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है, किस संस्था के साथ साझेदारी की है। तो इसका सही आंसर है ए IIT कानपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे 50वें दादासाहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए अनुपम खेर, बी नसीरुद्दीन शाह, सी अमिताभ बच्चन या फिर डी कमल हसन। तो इसका जो सही आंसर है वह है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या है। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, ए हसन, बी मड़या, सी उड़ुपी या फिर डी कुड़गु। आपको अगर आंसर पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, नहीं पता है तो देखिए वीडियो को पूरा, और इसमें है सो है डी कुड़गु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। जी हाँ, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन ए धनानंद, ऑप्शन बी पांडुका, सी गोवी सानक या फिर डी कैवर्त। तो इसका सही आंसर है ए धनानंदा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 2019 के ब्रॉन्ड विश्व वित्त राष्ट्र रैंकिंग में भारत की स्थिति क्या थी। ऑप्शन है ए सातवां, बी छठा, सी तीसरा या फिर डी पांचवा। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ए सातवां। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने हैं। ए फवाद मिर्जा, बी अमित सिंसिनवार, सी सिहत सिंह विर्क या फिर डी अमर सरीन। तो इसमें जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए फवाद मिर्जा। याद रखिएगा, यह 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार बने हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट SCEND 2020 किस राज्य में आयोजित किया गया था। हमारे सामने ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी केरला, सी राजस्थान या फिर डी गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा सेकंड केरला। अगला क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2020 को निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाना है। ए बेगमपेट एयरपोर्ट, बी वारंगल एयरपोर्ट, सी राजमुंद्री एयरपोर्ट या फिर डी विजयवाड़ा एयरपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रथम बेगमपेट एयरपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बुर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है। इसमें हमारा आंसर है ए नल्लामाला हिल्स, बी हॉर्सले हिल्स, डी नागरी हिल्स या फिर सी नागरी हिल्स या फिर डी अंतरगिरी हिल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी अंतरगिरी हिल्स। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है, बॉम्बे जो कि अब मुंबई के नाम से जाना जाता है में गेटवे ऑफ इंडिया की नींव किस वर्ष रखी गई थी। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया की नींव किस वर्ष रखी गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1913। यह काफ़ी बढ़िया एक दार्शनिक स्थल भी है जहाँ पर कि सभी लोग जाना पसंद करते हैं। एटलीस्ट एक बार आप भी अगर समय मिले तो ज़रूर घूम के आइएगा। तो इसकी नींव गेटवे ऑफ इंडिया की नींव कब रखी गई थी, तो यह रखी गई थी 1913 में। तो दोस्तों यह वह क्वेश्चंस जो कि मैंने आपसे डिस्कस किए जो कि काफ़ी अच्छे लेवल्स के थे और SSC CGLS के मार्च 2020 के एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। आने वाले दिनों में और दूसरे शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं वह भी डिस्कस करूँगा। चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बहुत ज़रूरी बात कि मैं जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ उसकी PDF फाइल की लिंक मैं नीचे दूंगा, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक है। तो चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, वहाँ से आपको रेगुलर बेसिस पर PDF सिर्फ आज के ही नहीं बहुत सारे PDF आपको मिलते रहेंगे जो कि जर्नल अवेयरनेस GK से रिलेटेड होंगे, तो जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ एक नई वीडियो में नए कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।